गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है जोड़नी। हिंदी, गुजराती, संस्कृत एंड इंग्लिश, इन सब के अंदर स्पेलिंग यानी कि जोड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। देखने जाए तो बहुत सारे उसके नियम हैं, और जैसे आप कक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हो, 8, 9, 10, 11, 12, तो हर एक के अंदर कुछ अलग आपको नियम देते हैं, थोड़े लेवल के हिसाब से देते हैं, आपके चैप्टर एंड टेक्स्ट बुक और पोएम के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर जो जुड़नी के नियम आज हम 11 दे रहे हैं वो कॉमन है, ज़्यादातर ये सभी स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होता है। तो आप इस सब को अगर ध्यान दोगे तो जो आपके 2-3 माह की जुड़नी के स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं, शब्द पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। ये सिर्फ गुजरात बोर्ड एंड गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखकर बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, एंड अगर कुछ ऐसा लगे जो डिफरेंट है, अलग है, तो आप मुझे ज़रूर बताएगा। तो शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर उच्चारण, अक्षर, जोड़ाक्षर और अनुस्वार, उसके साथ होता है अंग साधक प्रत्यय, ये 5 नियम के अधीन जुड़नी बनती है। उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, अक्षर यानी कि वर्ड कहाँ पर कौन सा शब्द रखना चाहिए, जोड़ाक्षर ज्वाइंटिंग लेटर जिसको हम कहते हैं वो है, अनुस्वार यानी कि ऊपर के साइड में जो बिंदी लगाई जाती है हम उसको अनुस्वार कहते हैं, एंड प्रत्यय जो आगे और पीछे लगाए जाते हैं उसके अधीन होता है। तो आज इस 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर हम 11 नियम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है नियम नंबर 1, शब्द के अंत में हमेशा ई दीर्घ आती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ी ई, जिसको हम बड़ी ई कहते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी वर्ड होता है उसके एंड में ई दीर्घ ली जाती है। लाइक आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हो, सखी, घंटी, कीड़ी, शीशी, गली, खाली, डाली, मूड़ी, दूधी, सूखी, पूंजी, इन सब के अंदर ई बड़ी है। परंतु गुजराती जो है, हिंदी है, ये सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ली गई है, तो कुछ नियम इसमें लागू नहीं पड़ते हैं। और बोर्ड में और स्कूल वाले ज़्यादातर यही पूछते हैं कि लाइक नीति, इसमें देखो त त त त और ट एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंदर हमेशा ई ह्रस्व लगानी पड़ती है, क्योंकि ये संस्कृत के तत्सम शब्द है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तत्सम शब्द? ऐसे शब्द जो संस्कृत में से ज्यों के त्यों गुजराती में से या हिंदी में लिए गए हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं ऐसे गुजराती में लिखे जाते हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं, तो उसके अंदर ये नियम लागू नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर नीति, रीति, प्रीति, सृष्टि एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद होता है य अक्षर आते हैं ना, तो उसके आगे हमेशा ह्रस्व यानी छोटी ई लगाई जाती है। जिसने मेरे पास से संधि सीखी उसको आइडिया होगा कि हमेशा संधि के अंदर य के आगे हमेशा हम छोटी ई प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो य, फिर यहाँ पर यो, यहाँ पर यो, अब या, ये जो भी य या यू अगर ऐसा लेटर कहीं पर बीच में आ जाता है तो उसके आगे हमेशा ई ह्रस्व लगानी है। आप प्रिय में छोटी ई देख सकते हो, र देखो, यहाँ पर थी देखो, घड़ियाल में देखो, रेडियो, मावड़ियो, मड़ियो, खासियत, होशियार, अटवाड़ियो, लाइक एक्सेट्रा। तो आपको ये नियम नंबर 2 अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नियम नंबर 3, एकाक्षर यानी कि वन वर्ड वाला जो लेटर होता है, यानी कि वन लेटर से ही बना हुआ शब्द होता है, तो उसके अंदर हमेशा ई एंड ऊ ये दोनों हमेशा दीर्घ यानी बड़ा लगाना है। आप देख सकते हो घी, फी, बी एंड श्री, इन सब के अंदर बड़ी ई ली गई है, राइट। और उसी तरह से ऊ जो है वो भी आपको बड़ा देना है, यानी कि जू, दू, भू, रू एंड बू, ये सारे। पर एक बात याद रखनी है, ये जो है हमने दीर्घ लिया है, पर अगर उसके ऊपर अनुस्वार आ जाता है यानी कि अगर बिंदी आ जाते हैं तो आपको छोटा या छोटी बड़ी ई आपको देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको छोटा लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम सब जगह पर दीर्घ ई और दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ई और बड़ा ऊ ही ले रहे हैं, पर यहाँ पर जैसे अनुस्वार आ जाता है आपको छोटा ऊ एंड छोटी ई लेना है, यानी हूँ शू, तो आपको एग्जाम्पल के हिसाब से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आगे, अगर 2 अक्षर के शब्द आते हैं तो सामान्य तौर पे, ज़्यादातर 100% नहीं, सामान्य रीते बे शब्द या बे अक्षर के जो शब्द होते हैं उसके अंदर हमेशा पहला जो अक्षर होता है उसको हमेशा दीर्घ देना चाहिए, दीर्घ ई एंड दीर्घ
ऊ, यानी कि बड़ी ई एंड बड़ा ऊ हमेशा आपको देना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, गीत, चीज, जीत, फीण, मीण, रीत, शिख, शीरो, हीरो, छीणी एंड खिली, राइट। उसी तरह से ऊ काम देखे तो ऊठ, उड़, उन, कुछ, चुनो, दूध, धूड़, फूल, फुग, दूर, बुच, झुन एंड चूलो। इसमें ऊ हमेशा देखो आप बड़ा लिया जा रहा है एंड फर्स्ट लेटर ओनली, ओके। अब देखो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर ही है। याद रखना, वापस से संस्कृत के नियम यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं लाइक तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें देखो ई छोटा आ दिया गया है ना, तो वो बड़ा ऊ ही है। परंतु यहाँ पर देखो दिल फारसी शब्द है, गुनो अरबी शब्द है, तो वहाँ पर ये छोटा दिया गया है जो नियम के विरुद्ध है, यानी इसको कहते हैं अपवाद। तो इसको भी आपको लर्न करना है, जो ज़्यादातर बोर्ड वाले एंड स्कूल वाले इस चीज को फोकस करते हैं एंड ये ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाली जो जोड़नी होती है बहुत ही आसान होता है, बस आपको एक बात को याद रखनी है कि सामान्य रीते ज्यादातर पहला एंड दूसरा ये दोनों अक्षर सेम नहीं होते हैं। अगर एक बड़ा है तो एक छोटा है, एक छोटा है तो एक बड़ा हो जाता है। जो पहला अक्षर ह्रस्व यानी छोटा होगा तो दूसरा दीर्घ बन जाएगा एंड पहला दीर्घ होगा तो दूसरा ह्रस्व बन जाएगा। बस इतना सिंपल याद रखना है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर ई जो है ना ये छोटी है। अब ह्रस्व कितने हैं आपको याद है? ह्रस्व में हमेशा ऐसी छोटी ई, छोटा ऊ, अ, ये तीन, और कभी कभी रू भी लिया जाता है। ये चार जो है ना वो ह्रस्व है, छोटे हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो होते हैं यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे जो है वो दीर्घ में होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वापस से बता रहे इसका नियम कि अगर पहला अक्षर दीर्घ तो बाद का अक्षर ह्रस्व, पहला अक्षर ह्रस्व तो बाद का अक्षर दीर्घ। आप एग्जाम्पल देखो, इनाम, ई जो है छोटा है तो ना आ में आया तो आइज दीर्घ हो गया। इरादो, किनारो, विदाय, विसाद, शिकार, दिवेट, दिवेल, बिलाड़ी, सिसोटी, एक्सेट्रा, राइट। उसके हिसाब से उधार, उनाड़ो, कुहाड़ी, गुलाम, सुथार, धुमाड़ो, दुकार, दुकान, उजाणी, गुलाबी, धुलेटी, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और तीन अक्षर के अंदर से दूसरा भी हम यहाँ पर लेते हैं। ये जो है वो सारे बड़े ए है तो आप देख सकते हो उसके बाजू वाला छोटा आ गया, ठीक है। तो ये देखो बड़ा ऊ है तो उसके बाजू में ह्रस्व आया है, बड़ा ऊ ई है तो बाजू में ह्रस्व आया है, ठीक है ना। उसी तरह से बड़ा ऊ आया, ये ह्रस्व आया, बड़ा ऊ आया, ह्रस्व आया, ठीक है। तो जो नियम हमने पहले देखे उसके अंदर हमने क्या किया था, पहला हमने ह्रस्व लिया उसके बाद हमने दीर्घ लिया। इधर हमने क्या किया, पहला दीर्घ लिया बाद का देखो ह्रस्व है। अब शब्द जैसे होते ना उसके हिसाब से देखना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप कहीं पर भी ह्रस्व कहीं पर भी दीर्घ लगा दो, शब्द के मीनिंग के हिसाब से जो लेटर्स बने हैं उसको ध्यान में आपको खास याद रखना है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें चार पांच अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उसमें हमेशा याद रखना है पहला अक्षर हमेशा ह्रस्व यानी कि छोटा होता है। अगर आता है तो वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हिलचाल में ही जो छोटा है, भुलामणी, खिसकोली, कुतूहल, किरतार, किफ़ायती, सुवावड, पिचकारी, निसरणी, आप देख सकते हो सारे के सारे फर्स्ट लेटर जो है ह्रस्व यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ या अ लिया जाएगा, ठीक है, जो चार पांच अक्षर के बारे में बता रहे हैं। नाउ बात करते हैं जॉइंटिंग लेटर्स। जॉइंटिंग लेटर्स क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो स्त्री, यहाँ पर स एंड त्र साथ में है, यहाँ पर स एंड स साथ में है, तो दैट इज ये पूरा जो वर्ड है वो जोड़ाक्षर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जोड़ाक्षर जब भी आए ना तो उसके आगे वाला हमेशा ह्रस्व ई एंड ह्रस्व ऊ लिया जाएगा। स्त्री, किस्सो, चिट्ठी, जिल्लो, डिग्री, पिस्ता, रिक्शा, लिफ्ट, लिज्जत, निश्वाल, पिस्तालीस, एक्सेट्रा। एंड इसी तरह से ऊ के एग्जाम्पल लेते हैं उल्लू, कुश्ती, गुस्सो, फुग्गो, मुट्ठी, तुक्को, सुद्धा, ये सारे जोड़ाक्षर है तो उसमें हमेशा आगे की साइड में जोड़ाक्षर जो वर्ड होता है लेटर होता है जैसे मुश्किल है तो आखिर आगे की साइड में छोटा ऊ, लिफ्ट, फ एंड ट साथ में है, नॉट ए लिफ्ट, ये लिफ्ट नहीं है, दैट इज लिफ्ट है, ठीक है। तो उसके आगे हमेशा छोटी ली जाएगी। लिज्जत ज्वाइंटिंग लेटर है, श्व ज्वाइंटिंग लेटर्स है, तो उसके आगे वाला जो लेटर होता है ना वो। अब दूसरी बात खास याद रखो, स्त्री, जिल्लो, डिग्री, लिफ्ट, गुस्सो, उल्लू, हुनर वगैरह जेवा अन्य भाषी शब्दों पण गुजराती जोड़नीना नियम ने समानता जोड़नी धरावता हुआ थी, आप इसको इजीली याद रख सकते हो बिकॉज ऑफ ये इंग्लिश वर्ड है। आप देख सकते हो जिल्लो, डिग्री, ये जो सारे हैं ना स्त्री, ये सारे इंग्लिश वर्ड है या दूसरी भाषा में से हमें इम्पोर्ट किए गए हैं।
तो वहाँ पर भी उसी हिसाब से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर भी अपने नियम के हिसाब से उसको उसी हिसाब से लिखा है, तो हर जगह पर सिमिलैरिटी नहीं होती है। आपको शायद याद होगा हमने तत्सम तद्भव का ही एक वर्ड बनाया था, तो उसके अधीन आप एक बार वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा। आगे लिखते हैं अनुनासिक स्वर के बारे में। अनुनासिक शब्द क्या होता है? जो लास्ट लेटर आते हैं, अगर हम क ख ग का टेबल करेंगे तो आपको याद होगा क ख ग घ ड एंड अंग लगा देते हैं, यानी ये जो ये लास्ट लेटर होते हैं, है ना, अण न म ये, तो इसको कहते हैं अनुनासिक स्वर। इसकी जगह पर हम ज़्यादातर प्रयोजन क्या करते हैं, अगर इसके ऊपर बिंदी है ना, तो उसके बाद क्या है, द है, तो द की लाइन में जाएंगे और द की लाइन के अंदर लास्ट में कौन सा आया लेटर, तो के न आया, तो ये जो ऊपर बिंदी है अनुस्वार है ना, उसको मैं न बनाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर देखो ये क्या है, बिंदी अनुस्वार है, अब उसके बाद का कौन सा लेटर है, म, तो म की लाइन में अगर देखने जाए तो लास्ट में कौन आया, तो म ही आया, तो बिंदी हटा के वहाँ पर म बनाते हैं। उसी तरह से जिसके ऊपर बिंदी है ना वो देखा नहीं जाता, उसके बाद वाला लेटर देखते हैं, यानी कि त। अब त देखेंगे तो इसके अंदर अगर बिंदी हटानी है तो हाफ न लगाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखो आंसू है, आमसू ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अगर हम लेटर देखें 25 लेटर्स के अंदर तो उसमें स नहीं होता है, तो इस तरह से वहाँ पर आ के हिसाब से काफ़ी सारे लोग म न अण लगा देते हैं, जो रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि चंद्र के साथ लिखा जाता है, एक्चुअली अनुनासिक वाला अगर टेबल आता है ना तो वहां पर ही लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखा जाता है। ओके, नाउ देखें नेक्स्ट, तीव्र अनुस्वार धराने वाले जो शब्द होते हैं उसके अंदर हमेशा आगे ह्रस्व स्वर का इस्तेमाल होता है। अब जिसके ऊपर बिंदी है ना, देखो इन सब के ऊपर बिंदी है, बिंदी, सिंधी, हिंद, तो उसके साथ हमेशा छोटा ई एंड छोटा ऊ का इस्तेमाल करना है। जिसके ऊपर डॉट होता है, जिसके ऊपर अनुस्वार, गुजराती में इसको अनुस्वार कहते हैं, तो उसके लिए हमेशा उसके साथ छोटा ऊ या छोटी ई का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आ शब्दों ने उच्चार वा बिंदी, लिंबोड़ी, कुंभ, गुंदर एम जुदू उच्चारे छे एवो ख्याल आवशे, तेथी आपको हमेशा याद रखना बी ली कू ये अनुस्वार स्वर मात्रा हस्व है, इसके कारण से ऐसा हुआ है। बाकी जो स्वर सूचक होता है अगर उसके अंदर कोमल उच्चारण होता है तो अलग होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, और अगर दीर्घ उच्चारण होता है तो उसका कुछ अलग होता है। नाउ दीर्घ उच्चारण होता है, थोड़ा लंबा सा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वहाँ पर बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क एन छ है, एन त है, तो वहाँ पर आप दीर्घ उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर जिसके ऊपर बिंदी है उसके साथ हम बड़ी ई एंड बड़ा ऊ लिया जाएगा। ये खास चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, इसके लिए आपको क ख ग का टेबल ज़रूर लर्न कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप जोड़नी के ये वीडियो के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताएगा, बाकी हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।